जुलाई में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भुंतर एयरपोर्ट रनवे का होगा विस्तार, जयराम सरकार ने सर्वे कर केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट। भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकता है अधिक मुद्रा नोटों को छापने का विचार, अर्थशास्त्री। ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी, 10 फीट बर्फ में पैदल चल रहे लोग अलर्ट जारी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कुल्लू भुंतर हवाई अड्डे की पट्टी के विस्तार के लिए अब व्यास नदी पर और ब्रिज नहीं बनाया जाएगा। जनवरी महीने में प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित डीसी कुल्लू ने अन्य सदस्यों के साथ भुंतर हवाई पट्टी के विस्तार को लेकर निरीक्षण किया था नई दिल्ली। अगर नरेंद्र मोदी सरकार बजट घाटे को पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा नोट छापने के वित्त मंत्री पीयूष गोयल के सुझाव को मान लेती है तो यह दशकों से चली आ रही पुरानी प्रथा को तोड़ने जैसा होगा। अर्थशास्त्रज्ञ प्रोफेसर अरुण कुमार ने भारत को बताया कि भारत में हमने 90 के दशक के अंत में सरकारी खर्च के लिए RBI से सीधे उधार लेने की प्रथा को खत्म कर दिया था। शिमला, गुरुवार को कल्पा जलोड़ी दर्रे क्षेत्र सहित सभी ऊंचाई वाली चोटियों में भारी हिमपात हुआ है। निचले क्षेत्रों में दिन भर रुक रुक बारिश भी होती रही। जलोड़ी दर्रे पर गुरुवार को करीब 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई थी। कर्मचारी और लोग भारी जोखिम उठाकर 10 फीट बर्फ में पैदल चलकर अपने घर और कार्यालयों में पहुंचे हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।